92.7 बिग एफएम पर कुछ जिंदगी के पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। 15 सितंबर 1959 भारत में पहली बार दूरदर्शन ने ब्रॉडकास्टिंग यानी कि ट्रांसमीटर के जरिए खबरों का प्रसारण शुरू किया और फिर धीरे धीरे 1965 से लेके 1975 तक प्रसारण की सीमा भी बढ़ी और 7 महत्वपूर्ण शहरों में टेलीविजन सर्विस शुरू हुआ। बुनियाद, रामायण, महाभारत, चित्रहार, ये सारे प्रोग्राम्स भारत के घर घर का हिस्सा बन चुका था। उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सेट्स पर पूरा मोहल्ला इकट्ठे प्रोग्राम्स का लुत्फ उठाते थे। समय के साथ साथ बदलाव आता है और उसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें कलर्ड में बदलने लगे और साथ आया 1991 में सैटेलाइट टीवी का नया दौर। अब फॉरेन और प्राइवेट चैनल्स के जरिए टेलीविजन हमारी जिंदगी के पन्नों का एक अहम हिस्सा बन गया और वो चेहरे जिन्हें हम छोटे पर्दे पर देखते हैं, सीरियल्स में उनकी रोजमर्रे की नोक झोंक, दुख सुख को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, उन किरदारों से एक रिश्ता बन गया। अगले कुछ हफ्तों में टीवी के नामचीन कलाकारों की जिंदगी के पन्नों को हम पलटेंगे। एक कलाकार जिन्होंने दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की, आज सैटेलाइट टीवी के नामचीन चेहरा बन चुके हैं। स्त्री तेरी कहानी के अर्जुन द्विवेदी हो या फिर डोली सजा के रखना के वीर हो या फिर जमाई राजा के हर सास का ड्रीम जमाई सिद्धार्थ खुराना, एक्टर रवि दुबे ने हर किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया है कि जब वो टीवी पर आते हैं तो हम उनको बस उसी किरदार से आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कलाकार और साथ ही एक बेहद अच्छे इंसान रवि दुबे मेरे आज के खास मेहमान ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। वेलकम रवि। थैंक यू सो मच मधुरिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अभी तो सिर्फ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ खास पन्ने पलटेंगे कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान हैं टीवी के मशहूर एक्टर रवि दुबे। रवि, आप दिल्ली से हैं, आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग किया, फिर आपने कुछ समय तक मॉडलिंग भी की जी। फिर वहां से आपने एक्टिंग की तरफ आपने रुख मोड़ा जी। तो पहले से ही क्या आपने डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग तो मैं कर ही लूंगा पर मुझे एक्टर बनना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटर और एक्टर बनना इस देश में हर बच्चे का एक एटलीस्ट एक सपना तो होता ही है कहीं ना कहीं उसके जहन में। लेकिन मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था। बचपन से मेरा रुझान जो है एक्टिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था। द रीज़न वॉज नॉट बिकॉज आई बिलोंग टू एनी फिल्म फैमिली। मुझे जितना याद है, मैं जब बहुत छोटा भी था तो भी मैं जब पिक्चरें देखता था तो आई यूज़ टू ऑलवेज आइडेंटिफाई विद द हीरो ऑफ द फिल्म। सो बहुत फिल्मी बचपन से ही था और बहुत फिल्मी जो चाइल्डहुड मेरे अफेयर्स रहे स्कूल में भी और जिन लड़कियों को मैंने प्रपोज किया बड़े फिल्म अंदाज में किया। मैं टीचर्स को भी बड़े फिल्मी अंदाज में अप्रोच करता था, होमवर्क को भी, पढ़ाई को भी, पेरेंट्स को भी, माँ बाप को भी। हर साल हर दिन कई हजारों लोग आते हैं यही सपना लेके कि हमें एक्टर बनना है जी। तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझ में ये स्पेशल बात है कि मैं उन सब लोगों में से मुझे एक अलग कुछ मिल जाएगा जिससे जिसकी वजह से मैं कामयाब बन सकता हूँ? मैंने इंजीनियरिंग मुंबई से करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। तो बाकी साल तो मुझे कोई पूछता नहीं था, बट जैसे ही फेस्टिवल्स का टाइम आता था तो सारे डिपार्टमेंट वाले और प्रोफेसर और स्टूडेंट्स जो है एक साथ लाइक यू नो मेरी तरफ रुख कर देते थे और मुझे ढूंढते निकाल लेते थे और मुझे जहाँ भी मैं क्लास कर रहा होता था वहाँ से भगा लेते थे और कहते थे ये डांस आइटम है और ये फलाना फैशन शो है और ये फलाना ड्रामेटिक्स है एंड यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ यू नो इन्वेस्ट इन इट। तो एक्टिंग की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैं एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल था हमारे कॉलेज में एंड उसमें मैंने फैशन शो में हिस्सा लिया था।
तो टीवी के एक जाने माने डायरेक्टर वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा और दे वांटेड मीट मी आफ्टर द इवेंट। तो बहुत हल्ला हो जाता है जैसे कॉलेज में ना कि अरे यार तू तो जीतने वाला है, बट मैं जीता नहीं, समबडी एल्स वन, सो आई वाज हार्ट ब्रोकन। बट व्हाट डिड कम आउट ऑफ दैट वाज दिस, दैट जो टीवी के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि यार तू ना ट्राई कर इंडस्ट्री में, that's about it, that's all that one line, that's it. I never saw him again except one phone number of a photographer jo unhone mujhe diya, wo phone number mere paas tha aur us saal main engineering mein ek saal clear nahi kar paya, to wo clear na kar pane ki wajah se main ek saal Mumbai mein tha aur mujhe kuch to karna tha apni life ke sath, so wo number mere paas tha aur maine kaha ki main ja kar ke ek bar phone karke dekhta hu is photographer ko। तो फोटोग्राफर मैंने फ़ोन किया और वो फोटोग्राफर बाकी लोगों से मतलब एक पोर्टफोलियो खींचने का कुछ 25,000 रुपए लेता था, बिकॉज आई वेंट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट ही चार्ज मी अराउंड 35। अच्छा, मैं सोच रही थी कम चार्ज किया। नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज किया उन्होंने और फोटोज़ भी ठीक ठाक ही खींची, तो एक आधी उस वो 400 फोटोज़ के पोर्टफोलियो में कुछ 3 फोटोज़ ढंग की निकली। अमेजिंग बात होती है, अमेजिंग होता है, 3 फोटो ढंग की निकली उनका। मैंने कॉम कार्ड जैसा वो एक बनाते थे उस टाइम पे, अब तो लोग डिजिटल हो गए बहुत ज़्यादा, जहाँ जहाँ मुझे लोग मिले रैंडमली जो लोग मेरे एनवायरनमेंट में आते रहे उनको मैंने देना शुरू किया कि ये 3-4 फोटोज हैं। अब फिर एक ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया एक जगह से और वो पहला ऑडिशन ही आई गॉट थ्रू इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था अबाउट माई सेल्फ, अबाउट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। 10 साल के करियर में रवि ने कई किरदार निभाए हैं, पर उनमें से वो एक खास किरदार जो उनके दिल के बहुत करीब है वो कौन है जानेंगे थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, और मेरे साथ जो आज मेरे खास मेहमान है वो है टीवी सीरियल जमाई राजा के सिद्धार्थ खुराना, रवि दुबे। आपने 10 सालों में कई किरदार निभाए, पर इन किरदारों में कितने नाम है, कितने नामों से आप जुड़े हैं, पर वो कौन सा एक नाम है जिससे आप मतलब ज्याती तौर में आप ज्यादा जुड़े हुए हैं? सिद्धार्थ द करंट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर मैं ही हूँ, तो उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, एक्सेप्ट दैट कुछ चीज़ें शायद फिक्शनलाइज हो, तो कुछ रिएक्शंस शायद फिक्शनलाइज हो, लेकिन जहाँ तक एक इंसान का सवाल है, वो जितने कैरेक्टर्स मैं सिद्धार्थ के एज इन द स्क्रिप्ट देखता हूँ, कई जगह मैं खुद को वैसे ही रिएक्ट करता पाता हूँ, हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो ही इज़ अ मच ग्रेटर इंडिविजुअल, द फिक्शनल कैरेक्टर इज अ मच ग्रेटर इंडिविजुअल। देर आर मेनी टाइम्स दैट आई अडॉप्ट मोर सेक्युलर स्ट्रेटजीज, मोर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, तो बट अदरवाइज जो बेसिक कोर पर्सनैलिटी है मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर है, तो मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा इतफाक रखता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, बिकॉज आपके पिछले जितने आपने प्ले किया है उसमें आप कैरेक्टर्स थे, बट दिस मच एज आई हैव अंडरस्टूड यू एज अ पर्सन सिंस आई हैव मेट यू, You really identify with that person. Yes, 100%. अब तो खैर ऐसा है कि मैं दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो उसमें से 17 घंटे सिद्धार्थ हूँ और बचे हुए 7 घंटे जिसमें मैं सोता हूँ वही मेरे ख्याल। सो वन मोर थिंग, मतलब इट्स अगेन अ कोइंसिडेंस, किस तरीके से आप जो सोचते हैं वो बड़ी चीज़ें तो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करते ही हैं, एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द पावर ऑफ योर द एलिमेंट ऑफ योर बीइंग, इट अट्रैक्ट सो मेनी ग्रेट थिंग्स एंड मटीरियल थिंग्स इन योर लाइफ, बट जो छोटी छोटी चीज़ें भी आपके जहन में होती हैं वो भी धीरे धीरे आती हैं। मैं बचपन में मुझे अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, तो धीरे धीरे आई बिगैन टू लाइक माय नेम, मुझे सिद्धार्थ नाम बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, तो मेरे स्कूल में एक लड़का था उसका नाम सिद्धार्थ था, एंड ही वाज दिस व्हेन आई वाज इन 3rd-4th स्टैंडर्ड, ही वाज दिस रियली कूल डूड, और वो बहुत मतलब ही हैड दिस स्वैग अबाउट हिमसेल्फ, मैं कहा यार सिड यार सिद्धार्थ यार मुझे मतलब अब ऐसा एक सिनेरियो है कि अगर मैं सड़क पर चलता हूँ तो अगर 4 लोग रवि बुलाते हैं तो 6 लोग सिद्धार्थ बुलाते हैं, सो इट्स आई थिंक दैट पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ योर लाइफ, इट ब्रिंग्स एवरीथिंग इनटू योर लाइफ, इवन द लिटलेस्ट थिंग व्हिच यू आर नॉट फोकसिंग सो कॉन्शियसली ऑन। वेल सेड, वेरी वेल सेड। हर कलाकार मुंबई में एक सपना लेके आता है कि उन्हें फिल्मों में काम करना है, और यहाँ रवि थे जिनको सिर्फ टीवी में ही काम करना था। इनसे जुड़े कुछ और पन्ने पलटेंगे थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के।
वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और मेरे आज के खास मेहमान है टीवी का जाना माना चेहरा रवि दुबे। जब बॉम्बे में लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए सबकी पहली सोच होती है टीवी तो खैर अब आया है जी, सब आते हैं कि फिल्म में एक्टिंग करना है जी, कभी ऐसा लगा नहीं टीवी तो ठीक है चल मैं फिल्मों में पहले ट्राई मार लेता हूँ? नहीं कभी कभी नहीं कभी भी नहीं नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। इसलिए नहीं क्योंकि टीवी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका था, लेकिन मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, आई लव टू परफॉर्म। सो चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो आपके बेटर हाफ की तरह गाना गाना हो, चाहे वो एक्टिंग करना हो, चाहे वो लाइव स्टेज पे हो एंकरिंग करना हो, वॉट एवर इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस आई सिंपली लव इट। मैं अक्सर टीवी के हमारे पियर्स के साथ और बहुत लोगों के साथ ये मेंटेलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है लोगों में कि यार फिल्म करेंगे तो मतलब अगर करेंगे तो यही करेंगे तो, लेकिन आप अगर देखें टीवी एक कमाल का मीडियम है मधुरिमा, इन द सेंस कि वो इतना एफिशिएंट बना देता है आपको जितना नई फिल्म बना सकती। कई लोग ऐसे सोचते होंगे ना कि फिल्मों में नाम तो ज्यादा है साथ में पैसा भी बहुत ज्यादा है जी। पर मेरे ख्याल से अब टेलीविजन ऐसा माध्यम बन चुका है जहाँ पैसा भी उस स्तर पे है, कहीं कोई कमी नहीं है। आज हर टीवी स्टार अपने नाम का एक घर खरीद सकता है, अपने नाम की बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकता है, तो व्हाट इज द बिग डिफरेंस? इट्स जस्ट इन द हेड। इट्स अ कॉन्सेप्शन व्हिच शुड चेंज, इट इज रैपिडली चेंजिंग। इन स्पाइट मतलब आप देखें अगर आप सिनेरियो को तो जो बहुत बड़ी पिक्चरें हैं सिर्फ उनकी स्ट्रांग रिकॉल वैल्यू होती है, बिकॉज वो वक्त अब चला गया कि आपकी साल में 10 पिक्चरें आ रही हैं, 15 आ रही हैं, अब तो हर महीने मतलब द बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सो मच, देयर इज सो मच कमिंग आउट, हाउ डू यू रिटेन एवरीथिंग? तो वो डिस्क्रिशन हो जाता है फिर लोगों का कि यार यही देख पाएंगे, अब इतना कुछ आ रहा है तो कहाँ हम सब कुछ सैंपल कर सकते हैं। तो पर टीवी पे एटलीस्ट वो नहीं है, वो नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, चैनल चलते है, अरे यार ये दिख गया अब तो बैठ के देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है so, कल तो वो देखा था कि अभी वो मरने वाला है, कुछ हुआ क्या? आज के दौर में एक्टर्स अक्सर अपने प्यार को अपने रिश्ते को छुपाते हैं और यहाँ रवि है कि जिन्होंने हमेशा अपने प्यार अपनी वाइफ सरगुन को खुले आम प्रपोज किया है। जानते हैं कुछ रोमांटिक पन्ने, कुछ खास पन्ने कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान है द वेरी रोमांटिक रवि दुबे। आज का ऐसा दौर है जब सारे ही एक्टर्स अपने रिश्ते को छुपाते हैं, वहां आप और सरगुन उन कई लोगों में से मैं कहना चाहूंगी कि वेरी फ्यू और वेरी सिलेक्टिव लोग हैं जिन्होंने इतने खुले तौर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बातचीत की, और आपने तो नेशनल टेलीविजन पे घुटनों पे बैठ के आपने एकदम प्रिंस चार्मिंग की तरह उन्हें प्रपोज किया, जैसे आपने शुरू में कहा बहुत फिल्मी स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में। तो कभी आपको ये इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, या फिर यू नो जनरली मेन हैव दिस थिंग कि मेरी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी, मैं शादी कर लूंगा तो मेरा क्या होगा? सो वॉट एवर इज एट द टिप ऑफ योर थॉट ना, मतलब कि अगर आप स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं तो वो स्टीरियोटाइप्स आपकी रियलिटी जरूर होंगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपको ये कहता है कि शादी करने के बाद मेरी फैन फॉलोइंग तो कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली कम हो जाएगी। आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा आपकी लाइफ बिल्कुल उस तरीके से अनफोल्ड होगी। आप इतने पंक्चुअल है, इतने डिसिप्लिन्ड है, आप हर चीज के बारे में बड़ी मेथोडिकल है, तो घर पे भी जैसे सरगुन कम्स अक्रॉस एज अ वेरी लाइवली पर्सन, शी इज लुक्स और रादर कम्स अक्रॉस एज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यू, इज शी आल्सो वेरी डिसिप्लिन्ड लाइक यू? शी इज, यू वुड बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, आई एम नॉट इवन 1/10 ऑफ व्हाट शी इज, रियली 1/10 हिस्सा भी नहीं हूं उसका, और अगर बन गया तो मैं शायद मतलब प्रोग्रेस एंड एवोल्यूशन वुड बी वे मोर रैपिड। सरगुन सिर्फ मेटिकुलस नहीं, she has a great amount of heart and mind into anything. वो कुछ नहीं भूलती, वो उसके आसपास कोई भी बैठा हो तो उसकी नजर से मतलब in the sense कि वो she will make sure that she has not ignored a single person in the room even if there are hundreds of people there. आपने घर की एक बात कही कि मुंबई में घर बनाना कितना मुश्किल है,
I have a dream house in Mumbai only because I have Sargun by my side. वरना ये decision मैं खुद से कभी लेता नहीं. I was very happy just sort of being, you know. So वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी औरत ही कर सकती. और वो उसी का thought था कि चल यार let's go for the kill, you know. नहीं करते हैं. नहीं let's go for the kill. मैंने कहा नहीं Sargun यार मेरी तो इस फलाना time पे तो मेरी picture शुरू हो जाएगी. तो मैं हूँगा ही नहीं. मैं जमाई picture और फलाना ये reality show कैसे manage करूँगा साथ में. How will I be able to contribute? You leave everything to me. Just go for it. Let's just go for it. And we went for it. We plunged in it. और मुझे याद है कि घर में जिस दिन हमने गृह प्रवेश की पूजा की उसी दिन शाम को मैं शूटिंग के लिए निकल गया आउटडोर. और उसके बाद जो अगले दो महीने ढाई महीने तीन महीने जो भी थे आई वॉज लिटरली नॉट स्लीपिंग एंड द स्केड्यूल्स वर लाइक दैट. मदर मा यू विल नॉट बिलीव आई हैव वॉक्ड इनटू माय ड्रीम हाउस लिटरली वॉक्ड विदाउट इवन कमिंग टू नो कि इसमें कितना एफर्ट गया है क्या गया है. वो सिर्फ मुझसे पूछती थी ये कर दूं गो अहेड डू व्हाट यू फील लाइक डू या कर दूं. आई ओनली मेड थिंग्स डिफिकल्ट व्हेनेवर शी वुड कम एंड आस्क मी बिकॉज आई वुड हैव माय पर्सपेक्टिव विदाउट हैविंग एनी रियल कंट्रीब्यूशन इन इट. तो मैं सर खाता था उसका बहुत ज्यादा. फाइनली उसने सुनी मेरी करी अपनी. थैंक गॉड फॉर दैट. यू शुड कम एंड सी माई हाउस. इट्स कम्प्लीटली इंच बाई इंच इट इज मेड बाई हर एंड इट इज हर विजन. और जो आता है वो घर में यही कहता है कि यार शी इज गॉट ब्रिलियंट टेस्ट. पता नहीं कुछ होंगे किसी जन्म के जो कर्म किए होंगे मैंने जो वो मेरी जिंदगी में आई है. every good thing surfaces from her. जब हम सरगुन के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जायज है कि सरगुन से भी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए. तो जल्दी मिलेंगे सरगुन से. कहीं मत जाइएगा. सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. 92.7 बिग एफएम पर. कुछ पन्ने जिंदगी के. वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम. और मेरे आज के खास मेहमान है रवि दुबे. और साथ ही हमारे साथ फोन पर है उनकी प्यारी सी वाइफ सरगुन. हाय सरगुन. हाय मधुरिमा. वेलकम ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग एफएम. मेरे साथ आपके प्यारे हस्बैंड है तो आप उन्हें भी हेलो बोल सकते हैं. क्या रवि? हेलो रवि. ऑल वेल. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रवि को ये पूछा कि यहाँ ज्यादातर जो एक्टर्स होते हैं स्पेशली मेल एक्टर्स वो अपना ना अफेयर्स रिश्ता छुपाते हैं. रवि उन लोगों में से कम लोगों में से बिलोंग करते हैं जो बहुत खुले तौर से अपने वाइफ को इतनी अच्छी तरह से सबसे मिलवाते हैं और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही आपके बारे में. एक्चुअली आई थिंक एज अ कपल वी आर बोथ वेरी प्राउड ऑफ ईच अदर एट ऑल टाइम्स एंड हम वो बहुत ओपनली शेयर भी करते हैं डिस्कस भी करते हैं एंड वी टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग इन लव और सपोर्टिंग ईच अदर और लाइकिंग ईच अदर. इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग वॉट ईच अदर्स पोटेंशियल इज एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस कीप पुशिंग ईच अदर एज मच एज वी कैन अप्रिशिएटिंग ईच अदर. सो इट्स नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. इट्स मच मोर देन दैट. आप मानेंगे नहीं अभी थोड़ी देर पहले आपके हस्बैंड ने काफी सिमिलर वर्ड्स में ही इस रिलेशनशिप को ऐसे ही एक्सप्लेन किया. ओह गॉड इट्स बिजार यू नो. आई जस्ट सेड ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स. आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट. सरगुन बताएं कि आप दोनों में से रोमांटिक ज्यादा कौन है? रवि ज्यादा रोमांटिक है और इस बात पे थप्पा लगा दीजिए. पहले रवि बिल्कुल रोमांटिक नहीं थे और मैं ज्यादा रोमांटिक थी और फिर मैंने रियलाइज करा कि रवि रोमांटिक नहीं है तो मैंने कहा कि हम दोनों एक ही पेज पे हो. मैं नॉन रोमांटिक हो गई. मैंने अपने सारे होप्स छोड़ दिए और सडनली जब मैंने होप्स छोड़ दिए तो वो बहुत रोमांटिक हो गए. एंड यू नो यूजली लोग कहते हैं दैट लड़कों को ये सब याद नहीं रहती, डेट्स याद नहीं रहती, टाइम याद नहीं रहता और जगह याद नहीं रहती और वॉट एवर. बट रवि को सब कुछ याद रहता है. इनफैक्ट हमारी अभी व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग मेरे ख्याल से 3rd or 4th March को वी स्टार्टेड डेटिंग एंड मुझे याद नहीं था. रवि सडनली 12 बजे खड़ा हो गया कह रहा है ओह हैप्पी एनिवर्सरी. ओह शिट आई अगेन फॉरगॉट. इतने सालों से हर साल मैं भूल जाती हूँ और उसको हर साल याद रहता है. स्वीट. मैंने सुना एक बार आपके बर्थडे पे रवि घर आए और कहा उन्होंने कि यू नो बेबी मैं गिफ्ट नहीं ला पाया क्योंकि इतना बड़ा था तो मैं कैरी नहीं कर पाया और गिफ्ट के जगह क्या आया वो आप ही बताइए. एक्चुअली हमने अभी अभी डेट करना शुरू किया था ना. मैं अभी मुंबई शिफ्ट हुई थी तो रात को ये आया एंड वी हैड लाइक अ ब्रिंगिंग इन बर्थडे एंड मेरे फ्रेंड्स आए थे एंड एवरीबॉडी वेंट. और उसने कहा सरगुन मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा तो है बट वो इतना बड़ा है कि मैं ना ला नहीं पाया. वो कल सुबह तुम्हारे घर पे डिलीवर होगा. और मैं पूरी रात इतनी एंक्शियस थी. मैं उससे पूछती रही मैंने कहा प्लीज बता दो. फिर वो चला गया घर. मैंने फोन करा मैंने कहा प्लीज कुछ तो हिंट तो दे दो. कह रहा नहीं 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 मैं हिंट भी नहीं दूंगा.
अगले दिन सुबह जब घंटी बजे मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा मैम वॉशिंग मशीन और टीवी आया। मैंने कहा सॉरी मैंने तो नहीं मंगवाया। कह रहे मैडम यही का एड्रेस है। मैंने कहा अरे मैंने मंगवाया नहीं। कह रहे नहीं मैडम हैप्पी बर्थडे सरगुन। ऐसे क्या तो मुझे दो मिनट के लिए बिलीव नहीं आया। इनफैक्ट उसके बाद मेरी मॉम का कॉल आया और उन्होंने कहा कि रवि ने तुम्हें क्या दिया। मैंने कहा मम्मा आपको नहीं जानना है रहने दो। तो मैं मॉम से क्यों शर्मा रही बेटा वी आर लाइक फ्रेंड्स बता देना। तो मैंने कहा मैं वॉशिंग मशीन और टीवी। कह रही ठीक है झूठ बोल ले तो अपनी माँ से झूठ बोल ले मत बता अपनी माँ को। मैंने कहा सच्ची में यही दिया है। उनको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। But she didn't believe it for 10 minutes कि मेरे बॉयफ्रेंड कहते तो अपने कपड़े गंदे रखती है बेटा तू बहुत बोर करती है वॉशिंग की प्रॉब्लम। How sweet. सरगुन और रवि दुबे के साथ पलटेंगे उनकी जिंदगी के कुछ और खास पन्ने थोड़ी ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। और मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं फोन पर सरगुन एंड हर वेरी टैलेंटेड एक्टर हस्बैंड रवि दुबे। नाउ दैट आप लोग शादीशुदा है और आप आई एम श्योर काफी वक्त तो एक साथ नहीं बिता पाते क्योंकि आप दोनों ही बिजी रहते हैं, पर अभी अगर आपको एक मौका दिया जाए कि एक हॉलीडे पे जाना का मौका दिया जाए तो वो ड्रीम हॉलीडे कहाँ होगा? ड्रीम हॉलीडे कहाँ होगा मेरा रवि का? आई थिंक लंदन, बिकॉज हम दोनों को बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद है, सिटी लाइफ पसंद है। हम लोग ऐसे नहीं है जो कहीं जंगलों में जाके या मतलब यू नो मालदीव्स में जाके बैठ सकें। दैट्स नॉट अस। तो आई थिंक इबिज़ा, लंदन, दैट इज मोर आ काइंड ऑफ अ प्लेस। सरगुन आप इतनी कामयाब है और एक वक्त था जब लोगों का ये कहना था कि आप रवि से ज़्यादा कामयाब है, तो कभी आप दोनों में इस बात को लेके कोई इनसिक्योरिटी? एक्चुअली हम दोनों में से किसी को कभी ये बात समझ में ही नहीं आई एंड आई डोंट थिंक कि हम दोनों में से कभी भी किसी को भी इनसिक्योरिटी हुई है एक दूसरे के काम से। इनफैक्ट रवि को तो मेरे काम से या मेरी सक्सेस से बिल्कुल भी नहीं हुई। ये बात तो मैं अश्योरिटी के साथ लिख कर दे सकती हूँ कि मेरी सक्सेस के लिए और मेरे आगे बढ़ने के लिए रवि से ज्यादा और कोई प्रे नहीं कर सकता या रवि से ज्यादा उसकी मन्नत कोई और नहीं मांग सकता। ही वुड रादर हैव मी बी सक्सेसफुल देन ही बी सक्सेसफुल एंड आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग। How beautiful, you know, God bless the two of you. और जाते जाते एक सवाल, बहुत अहम सवाल, क्योंकि आज मदर्स डे है एंड आप भी औरत हैं और आप एक कामयाब औरत हैं, तो जब एक कामयाब औरत को एक चॉइस लेनी पड़ती है और आई वुड से यू नीड टू चूज दैट बिटवीन मदरहुड एंड वर्क, तो आप क्या चूज करेंगी और किस तरह से आप उसको बैलेंस करेंगी? यार आई डोंट चूज एनी वन ओवर दी अदर। मैं ऐसा नहीं है कि मैं दोनों में से किसी एक को चूज करूंगी। वेन द टाइम इज राइट, वेन आई थिंक दैट आई एम एबल इनफ या फिर मैं किसी भी चीज को एक और लाइफ को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ और मैं उसे उतना टाइम या उतना प्यार दे सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली गो अहेड। बट वो मेरे लिए अभी करेक्ट नहीं है, सो वी वॉन्ट टू गो अहेड। एंड जहाँ तक बैलेंस करने का सवाल है, पहले लोग कहते थे कि काम को शादी के साथ कैसे बैलेंस करोगे, अब ये आ गया है। बैलेंस हर चीज हो जाती है जहाँ पर व्हेन यू नो व्हेन यू लव एवरीथिंग टू हैव अराउंड यू, यू कैन बैलेंस एवरीथिंग परफेक्टली। आपसे बात करने के बाद मैं और भी रवि से सहमत हूँ कि आप दोनों एकदम पैरेलल सोचते हैं एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। गॉड ब्लेस यू सरगुन। Thank you, Madhurima. Thank you so much for talking to me and to your husband and saying such nice things. God bless you. Enjoy your trip. Thank you for talking to me. Thank you. आज मदर्स डे का मौका है और हमने रवि दुबे के साथ उनके मम्मी से जुड़े कुछ खास पन्ने पलटे। जानते हैं थोड़ी ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर कुछ पन्ने जिंदगी के। वे
वेलकम बैक ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। और मेरे साथ जो आज मेरे खास मेहमान है वो है टीवी सीरियल जमाई राजा के सिद्धार्थ खुराना, रवि दुबे। तो रवि, आज मदर्स डे है, तो आज आप इस शो के जरिए अपने मम्मी को बचपन में की हुई कोई एक ऐसी बात जो शायद उनको बुरा लगा होगा या समथिंग दैट यू मस्ट हैव डन एज अ चाइल्ड जिसके वजह से आप सॉरी कहना चाहेंगे? सॉरी डेफिनेटली कहना चाहूंगा। आई बिलोंग टू अ फेयरली वेरी लविंग फैमिली बट नॉट सो एक्सप्रेसिव फैमिली। वी आर नॉट द हग्स एंड किसेस काइंड। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबके मनों में हैं और बोल नहीं पाते, बट मैं ये जरूर अपनी मॉम से कहना चाहूंगा, मम्मी से कहना चाहूंगा कि शी इज अ बुधा, शी इज अ कंप्लीट बुधा। इफ यू मीट हर यू वुड नो दैट शी इज अ बुधा। शी इज आई हैव नेवर सीन हर रिएक्ट बियॉन्ड दिस मच। देयर इज अ मीटर टू व्हिच शी डजंट रिएक्ट टू एनीथिंग। आई डोंट थिंक शी टेक्स सक्सेस ऑफ हर फैमिली मेंबर्स टू हर एंड शी डजंट लेट फेलियर्स ऑल्सो टच हर। शी इज बीन सो न्यूट्रल थ्रू हर लाइफ। शी इज ऑलवेज had this neutral calm expression. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो बहुत meditative state में लोग चले जाते हैं, उन्होंने not that she's indulged herself into that, but उनकी दुनिया ये हम तीन लोगों के आजू बाजू ही है, मैं, मेरा भाई और my father. वो peaks और troughs को उन्होंने जिस तरीके से देखा है, मुझे लगता है कि वो उन्हीं के कर्म हैं जो आज मैं भोग रहा हूँ, और मैं या मेरा भाई या फिर मेरे फादर वो वही है। मतलब it's all her, it's her and now it's my wife. So उनसे मैं सिर्फ यही कह के माफी मांगना चाहूंगा। There is scope of me being a better son and a more expressive son than I am right now and I am going to be that guy. आज मदर्स डे पे आपने उनसे सॉरी कह दिया, और गिफ्ट क्या देना चाहेंगे मम्मी को? गिफ्ट तो मेरा जो कुछ भी है वो उन्हीं का है और किसका है। मटेरियलिस्टिक चीजें तो हम सबको देते हैं, पर वो ऐसी कौन सी एक चीज जो आप चाहेंगे आप मम्मी तक पहुंचाना? वक्त देना चाहूंगा, तो अभी उसका बहुत अभाव है। सो मैं और सरगुन एक ही घर में रहते हैं बट हम भी मिल नहीं पाते। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं घर पहुंच के सो जाता हूँ और बात भी नहीं हो पाती कुछ, तो पेरेंट्स के साथ इवन मोर सो क्योंकि एक डिस्टेंस भी है, और तो कभी दिन में अगर एक दफ़ा बात हो गई या दो दफ़ा बात हो गई तो उस तरीके से थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ योर जोग्राफिकल डिस्टेंस दैट कम्स इनटू प्ले। बट आई थिंक मैं अपनी मॉम को, स्पेसिफिकली अपनी मॉम को लेकर के बाहर बहुत अरसे में नहीं गया हूँ, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गिफ्ट हर टाइम एंड आई वुड लाइक टू टेक हर विद मी एंड मे बी मेक हर सी द वर्ल्ड। हाउ स्वीट। एंड यू मस्ट आस्क योर मॉम टू लिसन टू दिस। यस यस। दिल्ली में है ना वो? दिल्ली में। हाँ, तो ये दिल्ली में भी 9 बजे आता है। थैंक यू रवि, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी बातचीत करके, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के। टीवी हमारे जिंदगी के पन्नों में इस तरह से शामिल है कि कई बार तो हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं वो केवल एक नाटक है, पर नाटक भी कभी कभी असलियत से ज्यादा रोमांचक होता है। टीवी के इन कलाकारों की जिंदगी के पन्ने उतने ही रोमांचक है। और अगले रविवार रात 9 बजे हमारे साथ है टीवी के सबसे बड़े और सबसे चहीते कलाकार रोनित रॉय। तो जरूर सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।